ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम पैटर्न जो है वो दो बार प्ले हुआ है। पहले मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरीके से प्ले होगा। ये शुरुआत है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा 11th फ्रेट 4th स्ट्रिंग से, 3 स्ट्रोक देना है। उसके बाद 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 3 स्ट्रोक देना है। फिर 12th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 3 स्ट्रोक देना है। फिर 11th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 3 स्ट्रोक देना है। फिर 9th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक देना है। फिर 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। तो आपको ये पैटर्न 3 बार प्ले करना है। तो एक बार साथ में प्ले करते स्लोली। ठीक है, 3 बार प्ले कर लिया। आप 4th टाइम जब प्ले करेंगे तब इस तरीके से प्ले करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 11th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे 3 स्ट्रोक के साथ। फिर से 3 स्ट्रोक 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे। फिर 12th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। 11th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। फिर से 11th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक। फिर 4th फ्रेट 11th स्ट्रिंग पे 1 स्ट्रोक। तो 4th लाइन के लिए क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आई होप याद क्लियर है आपको। अगर टैब्स में कोई भी कंफ्यूजन अगर होगी तो मैंने रिटर्न टैब्स में रिटर्न टैब्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख किया, उसको रेफर कर सकते हैं। अब ये पूरा पैटर्न चारों लाइन का और एक बार प्ले होगा, तो हम इसको एक बार साथ में प्ले कर दें। ठीक है, आई होप आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे दी हुई है। और जैसे मैंने कहा कि अगर टैप से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो रिटर्न टैप्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड या गाइस, आई गेस दैट्स इट फॉर द सोलो ऑफ GAQ। अगर कोई और रिक्वेस्ट वगैरह होगी तो जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हैं मेरे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।